हेलो व्यूअर्स, सलाम अलैकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। मेरा नाम है सोहेल अहमद, आप देख रहे हैं सोहेल अहमद टीवी। तो भाई आज हारून भाई के सेटअप में आए हुए हैं। एक फार्म है बेसिकली इनका, माशाल्लाह हाईवे की तरफ बहुत अच्छा बड़ा फार्म है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बस ये शौकिया जो है वो सारा कुछ स्टार्ट किया हुआ है। हिरन भी है इनके पास, मुर्गियाँ भी हैं, और आपको जो है वो परिंदे भी दिखाएँगे इंशाल्लाह, एग्जॉटिक बर्ड्स भी हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ इन्होंने रखा हुआ है, नया नया सेटअप इनका स्टार्ट हुआ है, और इंशाल्लाह जो है वो कंस्ट्रक्शन जारी है यहाँ पे। तो बहुत शौकीन आदमी है हारून भाई, तो हारून भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत से भाई? शुक्र है सुहेल भाई, तबीयत सही है, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा ये बताएं सर, ये कब स्टार्ट किया था ये आपने? तकरीबन कितना टाइम हुआ है? तकरीबन इसका हमारे पास टाइम हुआ है तकरीबन 6 से 7 मंथ हो गए। अच्छा, 6-7 महीने? 6-7 महीने हो गए। सही सही। और माशाल्लाह अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा एक एक जानवर ला रहे। अच्छा। हिरन भी ले आया, मोर भी ले आया, और मुर्गियां भी है, बर्ड्स भी है, बड़े तोते भी है, दुम्बे भी है, बकरी भी है, गाय भी रखा हुआ है, और रेबिट भी है। तो माशाल्लाह हमारे पास जानवर बहुत है। अच्छा। और शौक के लिए रखे हुए है अपने लिए, और बकाया अपना शौक करते, और अल्लाह हलाल जानवर है, और हलाल जानवर में शौक और हर चीज़ मिल जाता है। सही बात है। तो सारा शौकिया इन्होंने रखा हुआ है, तो आपको विजिट करवाते हैं इनका फार्म, ठीक है, के क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। सही है ना? ये एक एक ओवरव्यू आपको दिखा दें फार्म का, ये आप देखें। चले कहाँ से स्टार्ट करें, पहले हिरन दिखा देते हैं। आ जाओ हिरन, वो रहे जी। अरुण भाई ये बताएं, ये कौन से हिरन है? बच्चे ये अभी बच्चे, 7-8 महीने के बच्चे, और ये चिंगारी है, और ये हम लोगों ने तर से लाए थे। अच्छा, और ये दोनों नर मादी है, जोड़ी है। अच्छा, जोड़ी है ये? जोड़ी है ये। अच्छा माशाल्लाह। अभी कितनी उम्र है इनकी? ये अभी तकरीबन 7-8 महीने के। 7-8 महीने ये फुल ब्रीडिंग? ये अभी ये इंशाल्लाह साल के बाद ये ब्रीड शुरू करेगा। जैसे बकरी का सिस्टम होता है, इसी तरह इसका भी सिस्टम है। अच्छा। जो बकरी का आता है वो भी यही चीज़ का आता है, जो घास भूस लूसण जो चीज़ बकरी का आएगा वो ये भी खाएगा, जो टाइम बकरी का है ब्रीड देने का वो इसका भी है। हाँ बिल्कुल, खुले छोड़ते, इसको छोड़ देते थे, अभी आपके सामने भी छोड़ते, और माशाल्लाह आके बाहरी चलाएंगे, ऐसे मारेगा कि ओके। तो भाई हिरन के बच्चों को बाहर निकाल लें, ये आप देखें माशाल्लाह। ओ ओ ओ तेरी। अच्छा यहाँ घूमते रहते हैं बाहर? हाँ ये माशाल्लाह सुबह में 1 घंटा डेढ़ के लिए खुल जाते हैं, और शाम को 1 घंटा डेढ़ के लिए, क्योंकि अभी इतने वो नहीं है माशाल्लाह। ये देखे इसका चलाएंगे, फिर शाम के बाद बहुत ज़बरदस्त चलाएंगे। इन लोगों को जब मौसम मिल जाए तो ये लोग बहुत वो करते, प्यार करते फिर। अच्छा ओके फिर। तो ये भाई छोटा सा रूम एक बनाया हुआ है हारून भाई ने, यहाँ पे जो है वो ब्रीडिंग पेयर लगाए हुए हैं, किन्नौर के, कलरिंग नेक्स्ट के, पहाड़ी के। जी सर कितने पेयर है टोटल? तकरीबन 18 पेयर है इसमें यहाँ पे इस टाइम। अच्छा। और इसमें मेरे पास येलो है, वाइट है, ब्लू है, ग्रे वाइट है, पहाड़ी है, और सन किन्नौर है। तो माशाल्लाह 18 पेयर इस टाइम हमारे पास लगे हुए इस टाइम। 19 पेयर है, 19 पेयर है, और सब ब्रीडिंग पेयर है, सब ब्रीडिंग वाले। ये सिनकिनोर है, ये सिनकिनोर है, ये जोड़ा। अभी इनका सीजन भी स्टार्ट है, बॉक्स लगा दिया सब। बॉक्स सबको लगा दिया, तकरीबन 15-20 दिन हो गए सबको बॉक्स लगा दिया, ताकि अभी ब्रीडिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ है। तो मेरे ख्याल से 20-25 दिन अभी और भी है ब्रीडिंग को, क्योंकि दिसंबर के 15-20 तारीख के बाद ये लोग स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऊपर वाला कौन सा पेयर है? मोंग, ये मोंग है, ये ग्रीन मोंग है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। सही है। मुरोंग के, मोंग के पास हमारे पास 2 पेयर है, एक येलो है और एक ग्रीन है, दो पेयर है। ये माशाल्लाह ये ब्लू हॉलैंड वाली, ये फर्स्ट ब्रीड है, ये भी पट्टे है, लेकिन ये तैयार होएगा जनवरी तक, फरवरी तक इसका टाइम पूरा हो जाएगा। और ये होल्ड कर रहा है, और ये हॉलैंड वाले रिंगने के, ये हॉलैंड वाले इम्पोर्टेड है, इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है। और ये नीचे भी है? ये नीचे एक दूसरा पहाड़ी में ये है, लेकिन ये अलग नस्ल है। ये इसको
अच्छा ये ब्रीडिंग के ये भी ब्रीडिंग है, ये भी ब्रीडर है माशाल्लाह दोनों क्रॉस कर, हाँ बिल्कुल क्रॉस, ये भी क्रॉस से लगे हुए और क्रॉस कर रहे माशाल्लाह। ये जितने भी बर्ड है जितने भी वो पेड़ लगे हुए ये सारे क्रॉस कर रहे माशाल्लाह इस टाइम ब्रीड के लिए रेडी, बिल्कुल ब्रीड के लिए तैयार है इस टाइम। ये पीछे जो है ब्लू ये वाली अच्छा ये एक ब्लू है और दूसरा कौन सा है? दूसरा ये ग्रे आता है, ये भी हॉलैंड के उसमें है लेकिन इसमें नर हॉलैंड वाला मादी जो है वो लोकल यहाँ पे लगी है। ये भी फर्स्ट ब्रीड का, ये भी फर्स्ट ब्रीड। मेरे पास जितने भी पेड़ है इसके ये पीछे वाला जो है इसके अलावा बाकी सब फर्स्ट टाइम ब्रीड है। ये नीचे पहाड़ी, ये पहाड़ी है, पहाड़ी के दो पेड़ हमारे पास है, एक ये है और एक ये सामने लगा हुआ है इसके, तो दो पेड़ लगे हुए हमारे पास पहाड़ी के, क्योंकि पहाड़ी का डिमांड भी ज़्यादा होता है और ये बातें करने में भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। ये बच्चे जो हैंड फीड हो जाते हैं इसके बच्चे बड़े ज़बरदस्त बातें करते हैं। ये सारा शौकिया लगाया, सारा शौकिया लगाया हुआ। ये है किन्नौर, बड़ा पेड़ है ये भी माशाल्लाह ब्रीडर पेड़ है और ये भी बड़ा है, ये भी इंशाल्लाह अभी दो चार दिन में ये भी ब्रीड देना शुरू कर देगा। ये वाइट रिंगने के और ये डरते बहुत ज्यादा है। अच्छा। हाँ ये बहुत डरते, पता नहीं ये पूरे हमारे फार्म पे एक ये वाइट जोड़ा के ये बहुत डरता है। जंगली तो नहीं है ये? जंगली नहीं है, ये है फॉर्म वाला लेकिन पता नहीं डर किस बात की है इसको, ये वजह नहीं मालूम हो सका हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों ने भी लेकिन ये कि क्रास व्रास ये भी शुरू किया हुआ है इन लोगों ने, जब यहाँ पे कोई तंग करने वाला ना हो तो ये लोग बड़े खुश होते। ये माशाल्लाह ये येलो रंगने के और ये भी बड़ा ज़बरदस्त पेड़ है, बहुत खूबसूरत बहुत प्यारा पेड़ है, इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। सही सही। ये भी अभी ब्रीडर है, ये भी ब्रीडर है, ये भी ब्रीडर है, क्रॉस कर रहा है, तैयार है इंशाल्लाह इसका भी 10-15 बॉक्स बड़े बड़े लगाए हुए हैं तो बॉक्स इसलिए बड़े लगाए क्योंकि इसके ये दुम जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इस वजह से इसे बड़े लगाए हुए कि इन लोगों को तकलीफ ना हो, दुम टेढ़ा ना हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि कुल्ला बैठे कुल्ला उठे कुल्ला घूमे फिरे। अच्छा ये नीचे वाला कौन सा पेड़ है? रिंग नेट है और वाइट है और ये भी रिंग नेट है, ग्रे और वाइट है ये, और इसमें येलो मिक्स हुआ है, येलो का भी शेड इसमें आएगा, येलो मिक्स हुआ है और ग्रे और वाइट है। क्रीम बच्चे भी निकालेगा ये? हाँ ये बच्चे भी, ये तकरीबन तो कलर वाले बच्चे निकालते हैं। ये कितने का लिया था जोड़ा आपने? ये तकरीबन 1.5 लाख रुपए का एक जोड़ा है, 1.5 लाख रुपए का। नीचे और ये नीचे जो है ब्लू और वाइट जो है रिंगने, ब्लू और वाइट है, ब्लू और वाइट, ये भी पट्टे हैं। ठीक है माशाल्लाह बेहतरीन, ये भी माशाल्लाह बेहतरीन पेड़ है और जबरदस्त पेड़ है। ये लोरी है माशाल्लाह और ये सातरंगी है, सातरंगी है इसमें रेमबो है, सातरंगी जिसको बोलते हैं हम लोग आसान अल्फाजों में सातरंगी। ये टेम है, ये हाँ टेम है और माशाल्लाह जबरदस्त चीज है, ये भी बहुत प्यारा पेड़ है, ये हमारे फार्म का सबसे पहला पेड़ ये है। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने लाया था ये ही लाया था। ये क्रिमिनो मोंग येलो है और माशाल्लाह ये तो पक्के, इन लोगों ने तो एक ब्रीड दिया था लेकिन हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज थे क्योंकि मोंग अपने बच्चे नहीं पालता है, ये हम लोगों को पता नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि इन लोगों ने एक बार बच्चे दे दिया वो 2-3 दिन बाद मर गए, तो ये अपने बच्चे हम लोगों को फिर बाद में बताया कि ये नहीं पालते, इसके बच्चे या कॉकटेल के नीचे रखोगे और या हैंड फीड करोगे, तो इस बार इंशाल्लाह जैसे अंडे दे दोगे, ये अभी भी तैयार है, मेरे ख्याल से एक अंडा भी दिया होगा क्योंकि ये दोनों बॉक्स में होते हैं हर टाइम, और ये दोनों भी माशाल्लाह बहुत तैयार जबरदस्त है।
ये रम का पेड़ है और इस लोगों ने माशाल्लाह ये 3 अंडे ये दिया हुआ है और ये भी तैयार अभी, ये फर्स्ट टाइम ब्रीड इसका है। और यहाँ पे जो ब्रीड कर रहा है ये इसका फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम ब्रीड है। अभी इसने अंडे दिए हुए हैं माशाल्लाह 3 अंडे, ये इसने आज तीसरा अंडा आज दिया है। यहाँ पे आपने ये केजेस वगैरह बनाए हुए हैं, छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाई हुई ये बर्ड्स के लिए बनाया हुआ है। इसमें हमारे पास कॉकटेल है, लेटिनो है, फिशरी है, और भी मतलब बहुत किस्म के, तकरीबन 18 पेड़ है इसमें। अच्छा सही, सारी सारी थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बिल्कुल थोड़ी, एक एक नस्ल मैंने एक एक जोड़ी रखा हुआ है, जो एक एक जोड़ी है वो मैंने एक एक कॉकटेल भी रखा हुआ है, रेड आइस ब्लैक आइस भी रखा हुआ है, यहाँ पे फिशरी भी है, दूसरे भी बहुत है, अल्विनो है, लोटिनो। तो इसमें माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन इस टाइम एक कॉकटेल के बच्चे आए हुए और दूसरा स्प्रेड अल्विनो का बच्चे आए हुए, और ये सुरखाब है हमारे पास, इसका भी मादी है और ये नर, ये भी माशाल्लाह अभी तैयार हो गया है, ये भी बड़ा। मार्च में स्टार्ट होगा ब्रीडिंग सीजन इंशाल्लाह, ये फरवरी मार्च में तकरीबन जिस टाइम ठंड खत्म होने वाला है उन लोगों का ब्रीडिंग स्टार्ट हो जाता है। बेहतरीन। अच्छा माशाल्लाह शौक कर रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा रखा हुआ है बस परिंदों एक एक परिंदा, एक एक जोड़ी सब रखा हुआ है कि कोई परिंदा ये ना हो कि ये शौकीन शौकीन बंदे की यही निशानी। बिल्कुल सब हर चीज रखा हुआ है। सही है माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके लिए बड़ा मास्टर गेज भी बनाया हुआ है और अंदर उसके मास्टर गेज के अंदर हम लोगों ने छोटे छोटे कॉलोनी बनाया हुआ है, अगर इस छोटी कॉलोनी से निकल भी जावे चलो मास्टर गेज में हमारा सेफ्टी है। और ये तो इस टाइम यहाँ पे ठंड बहुत होता है तो इसलिए ये चीज़ हम लोगों ने ये त्रपाल बांध दिया कि ताकि इन लोगों को ठंड ना लगे, ये लोग गर्म रहे। सही है, हाँ सही बात है, एहतियात करनी ज़रूरी है। एहतियात के लिए तो थोड़ा सा इसमें हम लोगों ने जगह छोड़ दी है सामने वाला कि इसमें हवा ववा लगेगा, बकाया माशाल्लाह चीज़ ये जगह गर्म होता है फुल। जी अरुण भाई ये मोर भी रखे हुए हैं, ये माशाल्लाह हम लोगों ने 2 पैर मोर भी रखे हुए हैं, ये भी अभी बच्चे हैं तकरीबन मेरे ख्याल से 6-7 महीने के, ये भी बच्चे हैं, ये भी इतने बड़े नहीं है क्योंकि ये लोग ब्रीड करते हैं मेरे ख्याल से मेरा वो भाई के पास थे तकरीबन 3 साल के बाद इन लोगों ने ब्रीड स्टार्ट किया था, तो इन लोगों का टाइम बहुत, ये तो अभी छोटे बच्चे है इसको टाइम, इसका अभी पर अभी थोड़ा सा रंगीन होना शुरू हो गए और थोड़ा सा मस्ती में आना ये लोग अभी शुरू हो गए। माशाल्लाह खुले घूमते यहाँ पे, कोई वो नहीं है मोर फ्री रेंज फार्मिंग, फिर पीछे जंगल भी चला जाता है फिर वापस आ जाता है। ये चाइना मुर्गी भी 2 रखा हुआ है, ये भी एक जोड़ी है माशाल्लाह अंडों में, तो ये बिल्कुल जबरदस्त है, ये तो बहुत अंडे दे देता है चाइना मुर्गी। और बकाया हम लोग सामने जो ब्रीड है उसमें लाका है, अपना असील है, वाइट हीरा है, और मियावाली वाला एक है, ये काला, सारे असील मुर्गे हैं इसमें। बहुत ज़बरदस्त, बच्चे बच्चे भी आए हुए मुर्गियों के। हाँ मुर्गियों के बच्चे माशाल्लाह भी हमारे पास तकरीबन 30-35 बच्चे हो गए मुर्गियों के जो असील के, इसमें जावा का भी है, इसमें वाइट हीरे का भी है, काले का भी है, मियावाली वाले का दूसरा भी है, तो इसमें माशाल्लाह तकरीबन 6-7 नस्ल है मुर्गियों के। सही है, तो आपका क्या इरादा अभी बढ़ाने का? बढ़ाने का इंशाल्लाह, इसमें हम लोग बढ़ाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अगले साल जब आपको दावत देंगे तो इंशाल्लाह फिर आप देखोगे कि हाँ ये कुछ आप लोग आपको अभी इंशाल्लाह हम लोग अगले साल बुलाएंगे कि इंशाल्लाह आ जाए और थोड़ा सा ये नज़ारा देख ले कि अभी क्या बन गया है। अभी तो हम लोगों ने इंशाल्लाह स्टार्टिंग किया हुआ है और अल्लाह से बड़ा उम्मीद है और अल्लाह से उम्मीद रखना चाहिए इंशाल्लाह, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है और बकाया अल्लाह मालिक है, देखते हैं इंशाल्लाह कि क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन हम लोगों ने अपना इरादा तो पक्का किया हुआ है। तो ये जावा है। अच्छा हाँ माशाल्लाह ये ब्रीडर है और इसको ब्रीड के लिए सिर्फ रखा हुआ है, इन लोगों ने जितना लड़ना था वड़ना था वो लड़ लिया इन लोगों ने। अच्छा। अभी ये सिर्फ ब्रीड के लिए रखा होता है। अच्छा जी अरुण भाई एक ये चकोर का पेड़ रखा हुआ है। अच्छा चकोर है ये, चकोर है सही, सही। और ये क्वेटे वाले चकोर है जो बड़े बड़े हो जाते हैं, ये तो अभी बच्चे छोटे बच्चे अभी छोटे हैं, ये बड़े बड़े हो जाते हैं, जोड़ा है पूरा नरमा, ये दोनों नरमा जी। अच्छा सही है,
ये भी रखा हुआ है। अच्छा ये क्या है भैया, खरगोश? ये खरगोश है माशाल्लाह पैर। इन लोगों ने भी कल रात के बच्चे निकले थे, इन लोगों के 3 बच्चे निकले थे। अच्छा, वो उधर पीछे बच्चे दिए हुए, लेकिन अभी टोटल बच्चे कितने ये भी नहीं पता। ये नर है और इसके साथ दूसरा है मादी, वो काली है, वो भी किधर घूम रही थी, लेकिन अभी पता नहीं। रेड आई है ये रेड आइस है, ये भी रेड आइस है। और ये बकाया यहाँ पे बस बैठ के फुल एंजॉय वाला, फुल एंजॉय करो, बस अपना घूमो फिरो। और मौसम यहाँ पे बहुत जबरदस्त मौसम, बहुत अच्छा मौसम होता है। रात में बहुत ठंड होती है, रात में बहुत ज्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। तो ये बता क्या लोकेशन वगैरह क्या है फार्म? तकरीबन ये बेरिया टाउन के काटोर के पास। अच्छा, काटोर के पास है, बेरिया टाउन के बैक साइड, बैक साइड पे काटोर है, काटोर में ये है। भाई माशाल्लाह बकरियां भी रखी हुई हैं। हाँ, ये बकरियां एक जोड़ा दुम्बा है और हमारे पास एक टीडी वो बकरियां है एक जोड़ा। अच्छा, ये तो बहुत छोटी है। हाँ, ये छोटी नहीं है, ये उम्र में पक्के। अच्छा, इन लोग का हाँ इन लोग का अभी मेरे ख्याल से वो मादी भी इसका वो गबन है मेरे ख्याल से। अच्छा, क्योंकि इन लोग का बस ये साल 8-9 महीने के बाद ये लोग बच्चे देना शुरू कर देते। इन लोग का कद भी यही होता है और साइज भी यही होता है। ये लोग न बढ़ते और न वो जाते। सही है, बस यही साइज का, यही साइज। बच्चे तो बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसके, बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन ये लोग ये के ब्रीड में ये लोग अच्छे दो तीन तीन बच्चे ये लोग ऐसे मतलब दे देते, औरों की तरह एक नहीं देते। ये लोग देते तो तीन चार ये बच्चे इन लोगों का ब्रीड होता है। और दुम्बे भी माशाल्लाह, गाय भी रखी हुई है। और वो जोड़ी दुम्बी की है, वो एक ब्लैक है और एक गोल्डन कलर का जो है। फुल आपने मतलब एक फार्म वाला, फार्म वाला वाहन, हर चीज मैंने एक एक रखा हुआ है। सही है, सही है। ये बकरी भी गमन है माशाल्लाह, ये इसकी बच्ची अभी है, तकरीबन 3 महीने की है। ओके व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका सेटअप लगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखी हुई है शौक के लिए, अच्छी एक रखी हुई है रिलैक्सेशन के लिए, बेहतरीन। बिल्कुल, ये रिलैक्सेशन के लिए हम लोगों ने रखा हुआ है। इस बार को आ जाते मैं तो हफ्ते में एक बार आ जाता हूँ। ये ओसामा यहाँ पे सब कुछ हैंडल करता है, सब कुछ। हमारा एक छोटा सा चैनल भी है, वो भी चला रहा है। तो ओसामा सब कुछ, इसको खाना पीना, इसको संभालना, डॉक्टर आना, डॉक्टर को ले जाना, ये सारा चीज़ जो ख्याल करता है वो ओसामा है, वो इसको सब कुछ करता है। और बकाया मैं तो हफ्ते को इतवार को एक दिन आ जाता हूँ, इधर बच्चों को साथ आ जाता हूँ। तो हम लोग हफ्ते में एक दिन दो दिन वाले, और बकाया यहाँ पे ओसामा होता है, वो सब कुछ यहाँ पे संभाल लेता है। सही सही, ठीक है। अच्छा, कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे, रब्ता करना चाहे, नंबर? बिल्कुल बिल्कुल, नंबर दे सकते हैं। ये 0320-8768-175 ये ओसामा का नंबर है। और जिस टाइम भी कांटेक्ट करें व्हाट्सएप में, बिल्कुल एनी टाइम, किसी टाइम भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। कि कोई किसी को कोई चीज़ चाहिए हो, मुर्गा चाहिए, तोता चाहिए, बिल्कुल वो दे सकते हैं। जिस टाइम भी हो, अपना लोकेशन बता दे, अपना वो जगह बता दे, इंशाल्लाह उसी जगह पे आपको मिल जाएगा। जी ओसामा भाई, आपका चैनल है यूट्यूब पे, परिंदों के हवाले से बनाते हैं यहाँ पे वीडियो? जी जी, डेली व्लॉग बनाता हूँ, डेली व्लॉग अपलोड करता हूँ, बस मेहनत कर रहे। सही है, ठीक है माशाल्लाह। तो क्या नाम है चैनल? अजान मिनी जू के नाम से चैनल, अजान मिनी जू। अजान मिनी जू जी। अच्छा, डेली व्लॉग होता है, रूटीन डेली दिखाता हूँ, जो हो रहा है जो नहीं हो, मतलब जो भी हो रहा है डेली का डेली रूटीन दिखाता रहता हूँ। और सब बर्ड्स का ध्यान भी मैं खुद अपने हाथों से रखता हूँ। अच्छा, और सबको देखभाल भी मेरा होता है। मैं कराची हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा या 1 दफ़ा जाता हूँ बस, बाकी सब टाइम परिंदों को देना है। क्योंकि यार हम लोगों ने बहुत मेहनत से, ये हम लोग और भी कर रहे हैं मेहनत, इंशाल्लाह मजीद बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए। हम बोल रहे हैं कि यार बढ़ाए इसको, ब्रीडिंग लेंगे, एक्सपीरियंस भी होता जा रहा है। सही, और सब कुछ यही हो रहा है बस। सही सही, ठीक है जी माशाल्लाह। तो इनका चैनल है अजान मिनी जू, सब्सक्राइब करें उसको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।